विवेक ने सवाल पूछा है कूप पर कि बाकी नेताओं के बारे में बड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती है मुख्यमंत्री के निजी जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है फिल्में देखते हैं गाने सुनते हैं हमने पिछले ललन टॉप अड्डा में आपसे विंड डीजल पर पूछा था लोगों ने बड़ी रील चलाई भजन सुनता हूँ भजन सुनते हैं तो जैसे कभी आपसे एक्ट्रेस वगैरह मिलने आती है यहाँ शूटिंग बहुत होती है फिल्म बंधु की तो आपके अधिकारी आपको कुछ ब्रीफ तो देते होंगे ना कि मुख्यमंत्री जी इन्होंने इस फिल्म में काम किया है या कुछ नहीं जो आता है मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं अच्छा, जैसे है, और आ, मैंने लोग उन्होंने पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई हाँ। एक उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मैं देख नहीं पाया लेकिन हाँ मेरी इच्छा है की चुनाव के बाद पुरस्त मेले के जरूर देखूंगा कंगना जी ने बहुत, बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मैंने जो उसका शॉर्ट देखे थे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उपयुक्त की थी अच्छा और वैसे भी वह बहुत बहादुर लेडी है मजबूती के साथ अपनी बात को कहने की हिम्मत करती है कंट्रोवर्सी में भी खूब रहती है कंट्रोवर्सी तो हर एक जो अच्छी अच्छी बात बोलेगा उसको कंट्रोवर्सी में इस देश का एक तबका ऐसा जो उसको कंट्रोवर्सी में अच्छा, सरफराज अहमद आपके प्रदेश के नागरिक हैं उनका सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि नोएडा में पचास से ज्यादा फ्लैट की परमानेंट रजिस्ट्री अटकी हुई है मुख्यमंत्री जी बिल्डरों पर और सख्ती क्यों नहीं करते देखिये इसमें बहुत सारी जगह बिल्डर और कुछ जगह होम बायर्स स्वयं रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते सरकार उनकी रजिस्ट्री करना चाहती है इसमें कुछ जगह बिल्डर्स ने के पूरे नहीं किए हैं इसलिए बिल्डर पर दबाव बनाया गया है कुछ मामले न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं और कुछ में होम बायर्स ने समय मांगा है कुछ आप टास्क फोर्स बना के वोस काम कर रही है हमारी काम कर रही है अंकिता ने सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री जी उपलब्धि के तौर पे बताते हैं और उपलब्धि है भी कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें नामांकन बढ़ा है पिछली सरकारों के मुकाबले तो फिर तो मुख्यमंत्री जी ये भी मानेंगे कि जब ज्यादा स्टूडेंट है तो ज्यादा टीचर्स की जरूरत है आलोक ने भी यही कहा कि दे, डबल बेंच का ऑर्डर है डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती हम कर चुके हैं जी और भर्ती ही नहीं करना उनकी ट्रेनिंग भी होना है इसलिए जितने ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट खाली होंगे फिर नई भर्ती की प्रक्रिया की बढ़ेगी ये आपने अभी फिल्मों का जिक्र हो रहा था अजय का सवाल है कि फिल्म सिटी कब तक बनके तैयार हो जाएगी ये यूपी यूपी के हैं 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 मुंबई में काम करते हैं। रहे यूपी में काम काम करते कह रहे प्रक्रिया प्रक्रिया इसमें चल यानी हम हम लोगों ने पूरी कर, हम पूरी कर कर चुके हैं हुँ. और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी इसके शिलान्यास की कार्रवाई होने जा रही है कई मुंबई के फिल्म डायरेक्टर ये पूछते हैं कि स्क्रिप्ट तो नहीं दिखानी पड़ेगी सरकार को पहले नहीं नहीं स्क्रिप्ट दिखाने की आवश्यकता है नहीं पड़ती है यहाँ हाँ ये हम जरूर चाहेंगे जी कि उत्तर प्रदेश की परंपरा संस्कृति और ये फिल्म सिटी केवल यूपी के लिए नहीं है पूरे देश के लिए है दुनिया के दुनिया लिए के लिए है जी ये दुनिया का फिल्म सिटी बनेगा सबसे अच्छा बनेगा अब तक का